दोस्तों, बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे मंदिर की। मंदिर को काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, जब तक मंदिर खुला है। मंदिर के लिए मंदिर के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। मंदिर के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पाप किया है या कोई आरोपी है वो मंदिर में नहीं जा सकता, ऐसा कोई बोर्ड या बैनर नहीं लगाया जाता। लेकिन आज एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो है उज्जैन का जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, इसमें एक हवन कराया जा रहा है। हम किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहेंगे। कुछ पार्टियां हैं जो इसमें काफी वाहवाही लूट रही है, चैनल्स पे टीआरपी लूटने के चक्कर में चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं। क्या मंदिर में ये हवन क्यों किया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। इसलिए कि विकास दुबे वहां पहुंचा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ऐसा मंदिर बताइए जहां पर आज तक कोई भी ऐसा मंदिर जहां पर कोई पापी अंदर मंदिर में नहीं पहुंचा है या कोई आरोपी मंदिर में नहीं गया है। जो भी आरोपी हैं, कोई भी ऐसा वाक्य हमारे साथ बताने चाहेंगे जिसमें कि आरोप करने वाला मंदिर तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि जेल के अंदर भी, पुलिस स्टेशन में भी, हर जगह मंदिर होता है। मंदिर को बहुत पवित्र माना गया है। अपने हिंदुस्तान में देवी देवताओं का देश है, यहाँ पे पूजा जाता है। क्या इन चीजों के लिए अपने पास वक्त है? मंदिर को शुद्धिकरण के लिए हवन किया जा रहा है, वहां पर पूजा पाठ की जा रही है, कि इसलिए कि यहां पर विकास दुबे पहुंचा था। क्या है सब ये चीजें जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ही चीजें की जाती हैं। हमें विकास दुबे का नाम लेना इसमें कोई जरूरी नहीं था कि मुझे विकास दुबे, लेकिन कितने विकास दुबे हैं, अगर पकड़ा जाए तो कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने पाप किया है या जिन्होंने आरोपी है, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो क्या मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर को क्या मंदिर अपवित्र हो जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपने कमेंट बॉक्स में जाकर इस बारे में अपनी राय लिखें और बताएं।